विक्रोली के बाबू तांबे चौल निवासी पुलिस सिपाही तौफिक बाबू तांबे की संपत्ति के लिए उनके ही भाई ने अपनी पत्नी और बेटी को आगे कर छेड़छाड़ की और पॉस्को का झूठा मामला दर्ज कराया। ऐसा आरोप पीड़ित तौफिक बाबू तांबे ने अपने भाई पर लगाया है। तौफिक बाबू तांबे पंतनगर पुलिस स्टेशन के सिपाही के रूप में कार्यरत है। उन्हें अच्छे कार्यों हेतु राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया था। उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ चाल के नागरिकों के हक में आवाज़ उठाई तो उनके भाई ने तौफिक की पत्नी सभा को बुरी तरह मारपीट की। पुलिस ऑफिसर के ऊपर उनके डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स झूठे केस डाल के उनको एक तो ड्यूटी से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे जो मसला है वो ये है कि ये पगड़ी सिस्टम के ओनर होने की वजह से इनके ऊपर जो आरोप किए जा रहे हैं इसीलिए कि ये दब जाए और ये अपनी प्रॉपर्टी इनके भाइयों के नाम पे कर दे। कौन है वो जो षड्यंत्र रच रहा है, एक पुलिस ऑफिसर कोई बदनाम कर रहा है, उनको झूठे केस में फंसा रहा है, ये लोग कौन है जरा उसके बारे में? इनका नाम, ये दोनों भी इनके सगे भाई है, इलियास बाबू तांबे और बशीर बाबू तांबे, उनकी वाइफ है और उनकी छोटी एक बच्ची है 17 साल की इलियास की। तो इन्होंने शुरुआत में एक FIR कर दिया था इसमें कि इनके घर में घुस के इनके वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारा है जिसकी वजह से उनका मिसकरेज हुआ था और उनका बहुत हेवी ऑपरेशन भी हुआ था। सो उसके बाद उनके ऊपर 354 का चार्ज लगा है सेम पुलिस स्टेशन पार्क साइड और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और घटनाएं हुई है। ये बेसिकली मामला जो प्रॉपर्टी का आप बता रहे हैं जी, तो ये जो ऑफिसर हैं आपके बगल बैठे इनका नाम सबसे पहले जानना चाहते हैं जी। इनका नाम है तौफिक बाबू तांबे और ये बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है। इवन पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना काल में भी इन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। इनकी सर्विस को देख के इनको डिपार्टमेंट ने गवर्नर थ्रू, महाराष्ट्र गवर्नर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी इनको जनवरी में बहाल किया गया है। सर, अगर एक पुलिस कर्मी को न्याय नहीं मिल रहा है तो किस पे न्याय की भरोसा किया जाए? अगर सिस्टम में रहने वाला व्यक्ति खुद न्याय नहीं पा रहा है तो दूसरों को क्या न्याय अगर मिलेगी? यही बात चल रही है कि अगर आप एक यूनिफॉर्म पे आरोप ले रहे हैं तो क्या आपने अपने सुपीरियर से कुछ परमिशन ली थी? क्या आपने मामले की असली और गहरी तहकीकात की थी या नहीं की थी? क्या ये ऑफिसर सच में वैसा है? कुछ इसके पीछे सिर्फ घूम फिर के एक ही बात होती है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है। इनके ऊपर जो पहली FIR डाली गई थी इलियास बाबू तांबे, इनके वाइफ का इस्तेमाल करके इनके ऊपर एक 452 का आरोप किया गया था कि इनके घर में घुस के इनके ऊपर FIR किया गया था। उसी वक्त हम सेशन कोर्ट इमीडिएटली पहुंचे हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए। जब बहुत अच्छी दलीलें वहां पे पेश की गई तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। फाइनली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खुद उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट ने रिटर्न में रिप्लाई फाइल किया था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी और ये जो भी मामला इनके ऊपर आरोप किया गया है वो झूठा है। वकील साहब, का दुश्मन बना दिया, क्या है मामला? एक मिनट पहला शुरू करना, मैं मुंबई पुलिस का कमिश्नर। अपने पोस्ट से नाम से शुरू या नमस्कार, मैं मुंबई पुलिस में कॉन्स्टेबल हूँ, मैं पंतनगर में अटैच हूँ और मेरा नाम तौफिक बाबू तांबे है। और ये मामला ऐसा है कि मेरे बड़े भाई ने मेरे रूम पे 13 तारीख को कब्जा किया और कब्जा करने के बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस की गाड़ी मंगाई। गाड़ी मंगाने के बाद मैंने उनको बताया कि मेरा घर कब्जा हो रहा है करके, तो मॉर्निंग में 8 बजे मैंने गाड़ी मंगाई तो गाड़ी आई 8:50 पे। 50 मिनट पे आने के बाद मैं पुलिस के साथ मेरी वाइफ को लेके साथ में गया और पुलिस खुद मौजूद थी, कॉन्स्टेबल थे वो खुद साथ में थे मेरे। और हम लोग हमारा घर देखने के लिए गए कब्जा हो रहा है तो उतने दौरान इलियास बाबू तांबे जो मेरा बड़ा भाई है वो आता है और मेरी वाइफ को बुरी तरह एक कॉन्स्टेबल के सामने मार रहा है। तो भी वो कॉन्स्टेबल दूसरी गाड़ी नहीं मंगा रहा है मदद के लिए और ना ही कोई लेडीज़ पुलिस मंगा रहा है और मेरी वाइफ वैसे ही मार खा रही है और वो देख रहे और वो खुद वीडियो में बोल रहे हैं कि क्यों मार रहे हो करके। पर तुम्हारा फ़र्ज होता है कि वो औरत को बचाना, तो वो भी नहीं हो रहा है। और फिर बाद में हमको पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, वहाँ हमारे ऊपर ही हमारा रूम है, हमारे ऊपर ही खोटा FIR किया जाता है और मेरी वाइफ को न्याय देने के बदले
उसके ऊपर भी एफआईआर किया जाता है, और मेरी जो सिस्टर है वो नहीं थी उसका भी नाम डाला जाता है, क्योंकि मेरी सिस्टर जहाँ थी उसका भी मेरे पास एविडेंस है। ये सब के पीछे कौन है? ये इसके पीछे पॉलिटिशियन है, और इसके पीछे बिल्डर है, और इसके पीछे जैसे कि मेरे पास जो मेरे सोसाइटी के लोग है और मेरे जो टेनेंट है उन लोग को घर नहीं मिलना चाहिए, उन लोग को बेघर करना चाहिए, ऐसा मेरे को ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि तू अपना पैसा ले ले, बाकी उन लोग को छोड़ दे, तू काहे के लिए ये सब मचड़े में पड़ रहा है। कुल कितने टेनेंट्स हैं आपके सोसाइटी? अभी हमारे सोसाइटी में 60 से 65 टेनेंट है, और वो टेनेंट जो है उनके साथ हमने बचपना गुजारा है, तो हमारा ये हक बनता है कि जिसका भी हक है तो उनको मिलना चाहिए, हमको किसी का हक नहीं खाना है। तो जो जगह है, जिस जगह का मसला है, क्या वहाँ क्या आप लैंडलॉर्ड हैं या? जी जगह का मसला है वो मेरे डैडी की प्रॉपर्टी है, और ये 1940 से है, और इसका 1940 से हाई कोर्ट में मैटर आने पहुंचे, तो आपकी शिकायत दर्ज की गई, न्याय मिल पाया आपको, क्या कहेंगे? जी नहीं, न्याय तो नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने हमारी मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ इतना उन्होंने लात मारी, बहुत ज़्यादा मार खाई मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत नहीं ली। FIR बोले मेरे 3 महीने का बच्चा गया, वो मैं बोल रही तो लोग सुन रहे भी नहीं है, कि मेरी शिकायत ही नहीं सुन रहे कि मेरे को क्या तकलीफ हो रही है। वहाँ मुझे इतनी इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मेडिकल वगैरह कराया उस समय? जी मेडिकल करवाया। ये जो मामला बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है, जो आपके भाई हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो क्यों नहीं इस मामले में समझौता कर रहे हैं, आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं? कि उन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए सिर्फ, और किसी को देना नहीं है, सिर्फ उन लोगों को ही चाहिए प्रॉपर्टी। इस वजह से इनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं कि ये गलत तरीके से ये कर रहे हैं, पुलिस में है, पुलिस का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी के लिए बेटी को, पत्नी को इस्तेमाल करना, झूठी शिकायत करना, ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक सच? वही तो हम लोग बोलते हैं ना कि लोग गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोग को सुनते ही नहीं है, लोग बहन लोग को नहीं देना चाहते हैं, दूसरों को नहीं देना चाहते है, टेनेंट को नहीं देना चाहते है। सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोगों को, कि इनके साथ गलत हो रहा है, ये पुलिस वाले हो के पुलिस वाले इनके साथ गलत कर रहे हैं। और मेरी प्रशासन से, मेरे कमिश्नर सर से, मेरे जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं उनसे ये चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ में गलत निकला तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मुझे मंजूर है, मेरे ऊपर पॉस्को लगाए, कुछ भी लगाए, आप मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे मंजूर है, पर इसके अंदर CBI इंक्वायरी होना चाहिए, नार्को होना चाहिए, और CBI इंक्वायरी नार्को के साथ मेरे साथ नार्को होना चाहिए, और जो विटनेस है उनके साथ नार्को होना चाहिए, और जो विक्टिम है उसके साथ नार्को होना, ये सबके साथ नार्को हो के आप इसके ऊपर डिसाइड करो कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे फांसी दे दो, मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दो, या तो वो गलत है और जो जो ऑफिसर उनके साथ मिले हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मेरे भाई लोग ने मेरी वाइफ के साथ किए और खोटा FIR किए, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मेरे नाम पे NC जाती है, मुझे कोई कॉल करके नहीं बुलाता है, मैं वकील साहब के ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ CC फुटेज में हूँ, मेरे सामने FIR हो जाता है, ये झूठा झूठा कंप्लेंट करके मैं कहाँ तक जाऊँ, मैं नौकरी करूँ कि नहीं करूँ, मैं नौकरी पे हूँ मेरी FIR हो जाती। नाम क्या है? जी मुमताज इकबाल सिद्दीकी मेरा नाम है। मेरी छोटी भाभी को मारा गया, उनका 3 महीने का बच्चा उसका गिराया गया, हमको लड़की का बहुत शौक था, हमारे खानदान में लड़की नहीं है, तो हमको लगा, हमको बहुत ही उम्मीद थी कि हमको लड़की, मतलब कौन लोग थे जो मारपीट किए? इलियास तांबे, बशीर तांबे, इन लोग ने सब इसको, इलियास ने बहुत मारा, जहाँ जहाँ नहीं मारना चाहिए था बहुत मारा उसको, और ऐसा ऐसा तकलीफ दिए गए इसको, गंदी गंदी गाली दिया गया है, बहुत सारा उसको टॉर्चर किया गया। तो इसने मुझे, मेरे छोटे भाई ने मुझे फ़ोन किया, मैं रहती हूँ नेरल में, वहाँ से मैं भागते भागते इसके लिए मैं अभी आई, पर मैं भी आके उन लोग से कुछ के समय आप मौजूद थी वहाँ पे क्या? जी नहीं, मैं नहीं थी वहाँ पर, जब मैं घर पे थी अपने, उसने मुझे फ़ोन किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद असलम याकूब है। सैयद जी क्या मामला है जरा बताइए। मैं बाबू तांबे चाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, वहाँ पर से जो इलियास बाबू तांबे, बशीर बाबू तांबे काफ़ी दिनों से पुलिस चाल को परेशान करके रखे, हर जगह उनको पैसा चाहिए, थोड़ा सा अगर समझो कुछ घर पे रिपेयरिंग भी कर दें
तो पहले तो पैसा दो फिर काम करो, यानी एकदम खुली गुंडागर्दी दादागिरी। अगर हम नहीं दे सकते जो आते हैं, जो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो उनसे बाहर जाके उनको मारते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। ये इनके इधर कहीं हम लोगों ने कई बार इनके ऊपर NC हुई है और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं। कम से कम 2007 से कई NC मेरे पास है उनके। आपने पुलिस में जब NC की शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई? कभी नहीं होती है। क्यों ऐसा? पता नहीं क्या है, पार्कर पुलिस स्टेशन पे कभी कभी तो कोई ऑफिसर मिलता है तो बोलता है आप एक दूसरे को मुंह देखना, आप मिल कर रहो, क्यों झगड़ा करते, चाल उनकी है, मतलब उन्हीं की तरफ से ज़्यादा बात होती है। देखिए पूरा मामला आप लोग से चाल खाली कराने के लिए सब चल रहा है। हाँ, ये बिल्डर लाते हैं और पुलिस स्टेशन प्रेशर की वजह से कि किसी तरह से ये या रूम छोड़ कर जाए या सस्ते में बेच के चल से रहता उधर। पहला से ये मामला तो ऐसा ही है कि ये लोग है ना दोनों, किसको भी दम देता है, कोई गाड़ी पार्किंग करता है तो। कौन कौन है, नाम बताइए। बशीर तांबे और इलियास तांबे। मेरा छोकरे को मेरे गाले के सामने गाड़ी खड़ा करता था तो भी उसको थप्पड़ मार के पुलिस में ये किया, कंप्लेंट किया, हम FIR किया, कोई कंप्लेंट नहीं। मेरे को खुद को मारा वो टाइम में, तो उसका भी FIR दिया है, FIR कोई ये नहीं हो गया। शिकायत के बावजूद, FIR के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं करती। FIR कंप्लेंट लेती नहीं है? लेती नहीं है वो, सबको ऐसा ही भगाती है, सबको तकलीफ है। तौफीक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनके ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है? तौफीक अभी क्या है उसके ऊपर, आपस में ये है उनका, तो भी उसके ऊपर ज्यादा खुन्नस वो लोग खाते है वो हम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमर शेख है, मैं फॉरन में रहता हूँ, मैं कुवैत में रहता हूँ, मैं इधर छुट्टी में 2 महीने के लिए इधर आता हूँ मैं। बोलो। मेरा घर नातीबा चाल में है, तो वो मेरे इधर आके मुझे कुछ काम करता हूँ घर में, तो पैसा दो ये दो, हफ्ता होता है कोई गाड़ी लाता खड़ा करता उसके पैसे तो मांगता है। दोबारा मैंने FIR भी किया, मेरे घर में तोड़फोड़ भी किया एक दिन से, उसका FIR की कॉपी भी मेरे पास है, उसमें मुझसे माफ़ी मांगा था, उस टाइम पर कोर्ट में खड़ा के माफ़ी मांगा था, मैं आज के तेरे एरिया में आऊँगा नहीं और कभी कुछ करूँगा नहीं ऐसा बोल से मुझे बोला था, तो मैंने वो कोर्ट से उसका मैटर ख़त्म किया था, 1 साल हो गया मैटर में। फिर आज उसने फिर मेरे घुस के मेरे घर के सामने कैमरा लगा दिया और मेरे घर में जो लेडीज आती जाती है उनको वो देखता है घर के अंदर रखे रखे। मेरे क्लासेस है वहाँ पर, एक छोटा सा क्लासेस, बच्चा मेरा एक क्या है उसको वो पढ़ाता है, लड़की लोग आते हैं और डर के मारे भी लड़के लोग भी नहीं आते। मैं इसके लिए मेरा घर वहाँ रेंट पर देखे दादी बाजार में टावर में रहने चला गया हूँ। अब मुझे धमकी दिया तू इधर आएगा तेरे को मारूंगा, मैं ऐसा बोल के मुझे धमकी दिया, मैं 15 दिन से उधर तक गया नहीं हुआ। आपने पुलिस में वापस कंप्लेंट किया? मैंने डाला, मैंने उसका अर्जी डाला हुआ मैं, तो मुझे बुलाया 2 दिन के बाद बुलाया उन्होंने करके, तो कभी वो देखते हो क्या करते सपोर्ट करते हैं कि नहीं मेरा, वो देखना है मुझे। तौफीक की क्या है, ये अच्छा काम कर रहा है, सोसाइटी के साथ में चल रहा है ये करके, वो किसी को गलत होने देता नहीं, उससे अच्छा लगता नहीं कि इसके भाई लोग पैसा मांगते किसी से एरिया में कुछ काम करता है, तो उससे अच्छा लगता नहीं, ये बोलता मत मांगो पैसा किसी से, अच्छा नहीं है ये है, तो वो उसके ऊपर उसके लिए वो ज़्यादातर तकलीफ खुन्नस निकालता है, इसके हर चीज़ के ऊपर खुन्नस निकालता है। और कभी भी घर में अपने लेडीज़ों को मारता है, किसी को मार के जाके बोलता है कि भाई इसने मारा या उसने मारा या मैंने मार दिया, कुछ भी करता जाके घर में जाके मार लेते, चौकी में पहुँचा देते कि इसने मारा बोल के बोले, मतलब पुलिस स्टेशन से पूरा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।